बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ भी लर्न करना नहीं होगा, सिंपल सा मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब देखिएगा जो क्या है, इसमें लर्न करना कुछ भी नहीं है। देखो नीचे जो डेनोमिनेटर में मैं हर में जो है हर जगह फोर 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 ही रखना है, ऊपर क्या है 0, 1, 2, 3, 4, मीन्स 0 से 4 तक स्टार्ट करना है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 0/4 को सॉल्व किया है, 0/4 को तो 0 मिलने वाला है, तो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा लिखा है, फिर देखिएगा अंडर रूट 1/4 लिखा है, इसको सॉल्व करें तो 1/√2 मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 1/√2 नहीं सॉरी 1/2 होगा ना, क्योंकि रूट फोर का जो है 1/√4 करेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 मिलेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, लिखा है √2/4, मीन्स हो जाएगा √1/2, है ना, तो 1/√2, तो ये मिल जाएगा 1/√2। ठीक है, तो इस टाइप से ये वैल्यू जो है सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं √3/2, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ओनली 1 आएगा। ठीक, अब देखो साइन की तो वैल्यू पूरी, जो साइन की sin 0 0 होगा 31/2, 45/√3√2, और 60 हो जाएगा √3/2 एंड 90 होगा 1। अब जब कास लिखेंगे, कास में एक एरो इस साइड में लगाइएगा। ठीक है, एरो इस साइड में, मीन्स देखो पहले क्या कीजिएगा, इधर से इधर की तरफ चले, फिर इधर से एरो लगाएंगे इस साइड में। ठीक, मीन्स पहले सीधे टर्न पे चले, अब जो है उल्टा चलेंगे, मीन्स जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, 0 होगा, फिर 1/2 होगा, और फिर देखिए इसके बाद 1/√2 रहेगा, फिर √3/2 होगा, और फिर उसके बाद 1 होगा। ठीक है, तो दोनों टेबल जो है कंप्लीट हो गए। अब एक चीज़ और है, अब देखिएगा बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, टेन थीटा होता है sin θ/cos θ होता है। ठीक है, अगर साइन से कास को भाग दे दिया जाए तो टेन थीटा मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0/1 करेंगे, 0/1 क्या आएगा, 1, तो सॉरी 0 आएगा ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो इसे और इसे जब भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/√3। ठीक है, इसे और इसे जब भाग देंगे तो सेम चीज़ है, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो इससे इसे भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 मिलने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, 1/0, 1/0 इनफाइनाइट, जिसे बोलते हैं नॉट डिफाइन, है ना, जो डिफाइन नहीं होता है। अब देखो 10 में इस साइड में चले, है ना, फिर से एक एरो इस साइड से लगाएंगे, मीन्स फिर से सारी वैल्यू जो है उल्टी कर देंगे, जो इन्फिनिटी है वो यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, और 1/√3 यहाँ पे होगा, और 0 जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सेक की। आप लोगों को पता ही होगा भाई, सेक थीटा जो होता है 1/cos θ होता है, मीन्स कास की वैल्यू को अगर उल्टा कर दिया जाए, मीन्स कास की वैल्यू को अगर उल्टा कर दिया जाए तो सेक थीटा की वैल्यू निकल आती है। तो इसको करेंगे, 1 को उल्टा, 1/1 मीन्स 1 ही रहने वाला है। ठीक है, फिर देखिए इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, है ना, √3/2 है, तो उसको जब उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2/√3। इसको उल्टा करेंगे, √2/1 मीन्स √2 ही रहने वाला है, सॉरी हाँ सही है, और यहाँ पे देखिएगा 2/1 मीन्स 2 रहेगा, और इसको जब उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा क्या होता है, 1/0, विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिएगा फिर से यहाँ पे जो है एरो इस साइड में लगा, फिर से इसको जो है उल्टा करेंगे, मीन्स इन्फिनिटी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिटी फिर 2 आएगा, फिर √2 आएगा, फिर 2/√3, और लास्ट में जो वाला टर्म 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग जो है टेबल को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, बहुत आसानी से जो है लर्न हो जाएगी, तो इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है।